ओके हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर नेहा वर्मा. हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने माउस इवेंट्स के सारे प्रोग्राम डिस्कस किए कि इवेंट्स के सारे प्रोग्राम डिस्कस किए. अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अडेप्टर क्लास, राइट? अडेप्टर क्लास क्या है, इसकी रेलिवेंस क्या है, वाई वी नीड इट, ठीक है? अडेप्टर क्लास का जो रेलिवेंस है वो ये है, बिकॉज हमने लास्ट क्लास में एक प्रोग्राम डिस्कस किया था जिसमें हमने ये कहा था कि ये सारे मेथड्स हमारे पास होते हैं, माउस एंटर, प्रेस, एक्सिट, रिलीज वगैरह, हाँ, माउस मूव, ड्रैग, इमोशन के होते हैं, की टाइप, प्रेस, रिलीज, की, लिसनर के होते हैं. नाउ व्हाट इफ अगर मुझे इन पांचों में से सिर्फ एक की बॉडी देनी हो, अगर मुझे पांच में से सिर्फ दो ही बॉडी देनी हो, तो होता क्या है कि आई एम लाइक ट्रैप्ड. तो मुझे जो अगर मेरे को माउस एंटर और प्रेस की बॉडी देनी है, तो तीन मेथड है, एक्सिट, रिलीज एंड क्लिक. इनकी बॉडी जो है वो नहीं, हम नहीं देंगे तो एरर आएगी, तो ये प्रॉब्लम है. हाँ, अगर अब मैं चाहती हूँ कि मैं इनकी बॉडी नहीं देना चाहती, मेरे पास नहीं है इनका कोड, तो क्या होता है कि मुझे फिर भी जबरदस्ती इनकी बॉडी देनी पड़ती है. तो यहाँ पे मेरे को एक एक बाउंडेशन सी हो गई कि हाँ मुझे देनी ही है इनकी बॉडी. तो एट टाइम्स क्या करते हैं, हम इनकी कोड, इनकी एक सैंपल बॉडी दे के खाली छोड़ देते हैं कि उसमें कुछ लिखे नहीं, सिर्फ सिग्नेचर बनाया और एम्प्टी कर दिया. लेकिन दैट इज अगेन क्रिएटिंग और इंक्रीजिंग दी LOC, लाइन्स ऑफ कोड हमारा बहुत इंक्रीज हो जाता है. ऐसे सिचुएशन में एक टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट जावा में डिस्कस हुआ जिसका नाम है अडेप्टर क्लासेस. तो व्हाट डू अडेप्टर क्लासेस डज, एक्चुअल में अडेप्टर क्लास आपको एक प्रकार का एक्सटेंसिव मॉडल देता है या अडेप्टेबिलिटी देता है. नाउ अकॉर्डिंग टू दैट उसमें वो कहता है कि अगर आपने सिर्फ दो मेथड की बॉडी देनी है, एंटर एंड प्रेस की, वो कहता है ठीक है आप दो की दे दीजिए, जो तीन है वो मैं टेक ओवर कर लूंगा. ठीक है, आई एम रिपीटिंग, एंटर और प्रेस की बॉडी हम देना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि तीन बाकी जो तीन है, एग्जिट, प्रेस, एग्जिट, रिलीज और क्लिक, इनकी बॉडी हम दें. तो व्हाट दी मॉडल सेज, ही सेज कि आप दो की बॉडी दे दीजिए, जो तीन है वो मैं टेक ओवर करूंगा. और मैं टेक ओवर कौन करेगा, अडेप्टर क्लास. ठीक है, तो अडेप्टर क्लास को यूज करना पड़ता है पहले, आई एम रिपीटिंग, अडेप्टर क्लासेस को यूज करना पड़ता है. उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें मानना पड़ता है. उसके रूल्स मानने के बाद वो कहता है ठीक है अकॉर्डिंग टू मी, नाउ अब ये तीन मेथड की बॉडी मैं दे दूंगा, दो की आप दे दीजिए. अगर मेरे को दो की देनी है, मुझे एक की देनी है, तो मैं मिनिमम तो एक देना ही पड़ेगा मेरे को. हाँ, अगर मेरे को मिनिमम एक ही देना, बाकी चार नहीं देने, खुद दे देता है. तो बेसिकली अडेप्टर क्लास की मदद से हम अपने कोड को अडेप्टिव बनाते हैं. अगर हम की बात करें, मुझे की टाइप की बॉडी देनी है, की रिलीज और प्रेस की नहीं देनी, तो अडेप्टर मॉडल कहता है ठीक है इसकी बॉडी मैं दे दूंगा. तो इस तरह से अडेप्टिव मॉडल हमारा यहाँ पे होता है. अब अगर हम बात करें अडेप्टर क्लासेस की, तो यहाँ पे छोटा सा उसने कुछ लिखा है. वो कहता है व्हेन वी यूज इंटरफेसेस फॉर क्रिएटिंग लिसनर्स, द लिसनर क्लास हैज टू ओवरराइड ऑल दी मेथड्स. ही चेक, वो कहता है सारे मेथड यूज करने पड़ते हैं दैट आर डिक्लेयर्ड इन दी इंटरफेस. इवन इफ यू डोंट वॉन्ट टू हैंडल ओनली वन इवेंट, सॉरी इफ यू वॉन्ट टू हैंडल, हाँ वो कहता है अगर आपको एक ही इवेंट हैंडल करना है तो भी आपको उसके सारे मेथड देने पड़ते हैं. सेकेंड पॉइंट में कहता है इफ यू वॉन्ट टू हैंडल वन इवेंट स्टिल यू हैव टू ओवरराइड ऑल द मेथड टू ओवरकम दिस इवेंट पैकेज प्रोवाइड सेवन अडेप्टर क्लास. मतलब सेकेंड पॉइंट में क्या बोला उसने, वो कहता है कि अगर आपको एक इवेंट है, कोई इवेंट है जैसे की लिसनर है, की लिसनर का एक ही मेथड लेना है, लेकिन फिर भी आपको उसके सारे मेथड देने पड़ेंगे. ये एक ट्रैप है, ये एक प्रॉब्लम है. तो इसको ध्यान में रखते हुए अडेप्टर क्लासेस बनाई गई. तो सात प्रकार की अडेप्टर क्लासेस है, सात प्रकार की. नाउ वाई सेवन ओनली, जबकि इवेंट तो हमारे पास 12 है, पर अडेप्टर क्लास हमारे पास 7 है. उसका कारण है क्योंकि कुछ इवेंट्स ऐसी है जिनका एक ही मेथड है, जैसे कि एक्शन इवेंट. एक्शन इवेंट का कोई मतलब ही नहीं है अडेप्टर लेने का, क्योंकि इसका ऑलरेडी एक ही मेथड है, एक्शन परफॉर्म्ड. तो जो हमारे पास ऑलरेडी एक 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 जिनके मेथड है, उनका अडेप्टर लेने की कोई जरूरत नहीं. अडेप्टर वही लेना है जहां पे दो या दो से ज्यादा मेथड्स हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन चाहिए ना कि मेरे को इसकी बॉडी नहीं इसकी देनी है. जहां एक ही है वहां तो आपको देनी पड़ेगी. इसका मतलब है मेरे को उन सेवन अडेप्टर क्लासेस में से एक यूज करनी है अगर मेरे को एक ही मेथड देना है तो. अब अडेप्टर होती क्या है वो थर्ड पॉइंट में इसने डिस्कस किया. एन अडेप्टर क्लास प्रोवाइड्स एन एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दी मेथड्स इन एन इवेंट लिसनर इंटरफेस. इसका मतलब ये खाली इम्प्लीमेंटेशन, पहले तो आप दे रहे थे ना खाली, ठीक है आपका मन नहीं था, आप उसको खाली छोड़ देते थे तो आपका मॉडल पूरा हो जाता था. लेकिन अब वो कह रहा है अगर आप नहीं दोगे मेथड की बॉडी खाली तो मैं दे दूंगा. तो इस तरह से जो LOC है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि अडेप्टर क्लास हमारा टेंशन संभाल लेता है. जैसे इसने एक एग्जाम्पल दिया, इसने कहा माउस मोशन के दो मेथड है, ड्रैग एंड मूव. बट इफ यू वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट ओनली वन मेथड दैट इज माउस ड्रैग, देन एम्प्टी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माउस मूव जो पहले हमें देनी पड़ रही थी
वुड बी हैंडल्ड बाय माउस मोशन इवेंट्स, मतलब वो ऑटोमेटिकली अडेप्टर क्लास संभाल लेगा, मुझे उसको देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे की है ना, तो अब इसने एक एग्जाम्पल बताया कि यहाँ लिसनर नहीं होगा, अब यहाँ अडेप्टर जो होगा, अडेप्टर अभी मैंने एक लाइन बोली आपको, अडेप्टर अगर आएगा तो उसके कुछ नियम होंगे, उसके कुछ नियम, कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ रूल्स होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे के की इज दी कैटेगरी, इंटरफेस जो हम पहले यूज कर रहे थे उसका नाम था की लिसनर, अब क्या क्या नाम हो जाएगा, की अडेप्टर, अडेप्टर क्लासेस है, ठीक है, अडेप्टर दीज आर दी क्लासेस। तो अब हमको लिसनर की जगह क्लास यूज करना है और क्लास का नाम होगा की अडेप्टर। तभी इस, क्योंकि अभी जब तक आप अडेप्टर यूज ही नहीं करेंगे तब तक आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ले सकते। तो की अडेप्टर लेने के बाद आप एक बार अपने उन प्रॉब्लम से ओवर हो जाते हैं। तो दिस इज द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ अडेप्टर क्लासेस, ठीक है। तो इसके बाद उसने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया कि अडेप्टर क्लासेस कैसे हम यूज करते हैं। तो इस कोड को, जो हवशिल का कोड है, वो थोड़ा सा टेक्निकल लिखा हुआ है, काफी डिटेल में उसने थोड़ा सा जो चीजें डिस्कस की हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं बच्चों के एंगल से। तो उस कोड को मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि ये क्या कोड है। इसको बेसिक सा एक बार डिस्कस करते हैं, नहीं तो उसे दूसरे वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अडेप्टर क्लास एग्जाम्पल में हमने जो डिस्कस किया, इसमें हमने कोई क्लास ले ली एबीसी, ऊपर का जो पैकेज है और वो एप्लेट कोड है वो मैंने छोड़ दिया है आप लोगों के लिए। व्हाट वी डू हियर, वी विल टेक पब्लिक क्लास एबीसी एक्सटेंड्स एप्लेट, ठीक है। आप चेक करिए, जो पहले हम ले रहे थे इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर और इंप्लीमेंट्स की लिसनर, वो हम नहीं लेंगे अब, क्योंकि हमें इंप्लीमेंट्स नहीं लगाना। वी आर नो मोर इन द फाउंडेशन ऑफ द लिसनर्स नाउ और इन द पैकेजेस नाउ, वी आर डिस्कसिंग अडेप्टर, अडेप्टर के साथ इंटरफेस नहीं, अडेप्टर क्लासेस है, सॉरी। तो अब हमने क्या बोला, अब हम कहते हैं पब्लिक क्लास एबीसी एक्सटेंड्स एप्लेट, ठीक है। अब जो अडेप्टर है ना, वो नीचे आएगा। ये इस एग्जाम्पल में उसने की लिसनर नहीं लेके माउस वाला एग्जाम्पल लिया है, माउस अडेप्टर लिया है। तो चेक, हमने यहाँ पे एक क्लास लिया, इस ये एक क्लास है एबीसी, दूसरी क्लास है एमएमए, एमएमए अगेन आई एम रिपीटिंग, मैंने यहाँ लिखा भी है, एक क्लास है एमएमए, एक क्लास है ट्रिपल एमए, वो ट्रिपल एमए पेज टू पे है जो यहाँ पे है। अगर हम पहले अपनी क्लास की एमएमए की बात करें, ये यूजर डिफाइंड नेम्स हैं, इनका नाम कुछ भी दे सकते हैं हम, ठीक है। तो अब हम इनके साथ लिसनर्स नहीं लेंगे, हम इनके साथ क्लासेस लेंगे। तो व्हाट वी डू हियर, हमने यहाँ पे एक लिया, एक क्लास लिया एबीसी, हमने क्लास लिया एबीसी, इसके साथ एक क्लास लिया एमएमए, एमएमए क्यों लिया वो भी हम डिस्कस करेंगे,